इस फिल्म में ग्लोरिया नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट की कहानी है। ग्लोरिया लॉस एंजलस से अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुजू से मिलने तिजुआना मेक्सिको जाती है। सुजू मिस तिजुआना प्रेजेंट में भाग ले रही है। क्लब में जाने पर ग्लोरिया बाथरूम में चली जाती है, तभी वहां गुंडे घुस आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ग्लोरिया भाग निकलती है, लेकिन सुजू कहीं नहीं मिलती। पुलिस की मदद मांगने पर ग्लोरिया को लास एस्ट्रालास नाम के अपराध संगठन के हवाले कर दिया जाता है। वे उसे धमकाते हैं और सुजू को ढूंढने के बदले उनके लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वह डरी सहमी उनकी बात मान लेती है। ग्लोरिया को मिस तिजुआना प्रेजेंट में भेजा जाता है, जहां वह भागने की कोशिश करती है। वहां उसे एक अमेरिकी व्यक्ति मिलता है, जो असल में DEA का एजेंट होता है। वह ग्लोरिया को धमकाता है कि अगर वो DEA को लॉस एस्ट्रालास तक नहीं पहुंचाएगी, तो जेल में सड़ जाएगी। ग्लोरिया मजबूर होकर उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। ग्लोरिया को लॉस एस्ट्रालास के लिए काम करना पड़ता है, साथ ही DEA के लिए भी उसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करनी पड़ती है। इस दौरान DEA लगातार उस पर नजर रखता है। गलती से ग्लोरिया DEA का ट्रैकिंग चिप सुजुकी हमशक्ल इसाबेल के फोन में लगा देती है। लॉस एस्ट्रालास को लगता है कि इसाबेल उनकी मुखबिर है और उसे मार डालते हैं। ग्लोरिया गुस्से और दुख में होती है। बाद में पता चलता है कि लिनो, जो लॉस एस्ट्रालास का सरगना है, सुजू के बारे में जानता था। उसने ग्लोरिया को धोखा दिया था। ग्लोरिया सुजू को ढूंढ लेती है। वे दोनों मिलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिनो पुलिस चीफ को मारने की कोशिश करता है। ग्लोरिया चीफ को बचा लेती है और फिर लिनो को गोली मार देती है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ कक्ष में ग्लोरिया जिमी को बिना टैटू के देखकर चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि जिमी CIA का एजेंट है। वह ग्लोरिया को बताता है कि वो CIA के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ग्लोरिया उनके लिए काम करने के लिए राजी हो जाती है, इस शर्त पर कि वह और सुजू पर लगे सारे आरोप हटा दिए जाए। ग्लोरिया सुजू को उसकी आंटी और भाई के पास छोड़ देती है। फिल्म के आखिरी सीन में ग्लोरिया जिमी के साथ कार में जाती हुई दिखाई देती है।